विरूपाक्ष ने एक पुस्तक नारायण विलास लिखी थी, इसने एक पुस्तक नारायण विलास लिखी थी विरूपाक्ष ने। विरूपाक्ष रोट ए बुक नेम्ड नारायण विलास। नारायण विलास लिखी थी, ठीक है। ये जो अगर मान लो इस पर क्वेश्चन बेस्ड हो नारायण विलास पर या इस प्रकार किसी पुस्तक की, ये मुख्य किन विषयों पर आधारित, चार ऑप्शन दे दिए जाएं, निगेस करो, पढ़ा नहीं है। बहुत क्वेश्चन ऐसे आई इसमें आते हैं जो पढ़ा नहीं होता, टॉपिक हम पढ़े होते हैं, ऐसे बहुत मिल जाते हैं। ढूंढते इसे निकालता ही ऐसे है कि वो आपके कॉन्शियस बेस पर हो। तो नारायण विलास पर ये किस पर आधारित पुस्तक है, किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस? ईश्वरीय प्रवृत्ति बी, ईश्वरीय मनोरंजन सी, नारायण है तो मैंने ईश्वरीय लिखा है, ये कॉमन हो गया, अब इस पर सोचने नहीं, आगे वाले पर सोचना है। ईश्वरीय प्रयोजन एंड डी, है आने दो यार ऑप्शन डी, ईश्वरीय आस्था, सोचो, बिना सोचे नहीं बोलना है। अंग्रेजी में बता दें प्रवृत्ति का, अंग्रेजी में बता दें थोड़ा सा ना, जैसे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी को प्रवृत्ति कहते हैं। मनोरंजन आप समझते ही हैं, एंटरटेनमेंट। प्रयोजन एक टारगेट, मतलब एक प्लान फॉर एम, उद्देश्य के लिए जो प्लान करते हैं, फिर प्लान के अकॉर्डिंग एक्टिविटी होते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान एक्टिविटी, इसको कहते हैं प्रयोजन। इसको और थोड़ा सा एक परत और हटाएंगे, एक लेयर और हटाएंगे तो मिल जाएगी फिर पॉलिटिक्स, एक्टिविटी फॉर एम, इसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, प्रयोजन। आस्था, डेडिकेशन, आस्था को डेडिकेशन, जल्दी बताओ, इतना समय नहीं तो हम निकाल लेते, नहीं तो हम पूरा भी तो करना है चीजों को। डी बी तो हाँ, लेकिन अब देखिए चार के चारों कुछ ना कुछ मात्रम सही हैं, तो यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चार के चारों कुछ ना कुछ सही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन होता है, यही उसका मुद्दा होता है। तो हमको जो है पकड़ना ही है, कंफ्यूज बहुत करता है वो। तो पहली चीज नारायण विलास का अगर अर्थ आप निकालो, इसको ढूंढने से पहले इसके अर्थ के चक्कर में चले, तो विलास को एक्चुअली जो विलासिता पूर्ण जीवन है, जैसे विलासी, विलासी आदमी कौन होता है, या विलासिता क्या है, ऐसो आराम की जिंदगी कहते विलासी जीवन। डेडिकेट मतलब सोच द एंटरटेनमेंट, एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग आप फिट करें तो सोच द एंटरटेनमेंट, लेकिन ईश्वर क्या एंटरटेनमेंट के लिए एक्टिविटी करेगा,
ईश्वर पे आ जाइए, ईश्वर नारायण पे, नारायण की जो एक्टिविटी होगी वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ समय के लिए पर्टिकुलर होगी, ऐसा हो सकता है, या उसकी टोटल एक्टिविटी उसके लिए एंटरटेनमेंट है और लोग भी उस पर एंटरटेनमेंट करें, जो है उसी का एंटरटेनमेंट भाव बनाए आप। ईश्वर मनोरंजन नहीं करता है, वो कभी ऐसे कार्यक्रम नहीं कराता जिसमें कई कॉमेडियंस को बुलाए और प्रोग्राम कराए, लोग हंसे हंसाए। हंसने के लिए कॉमेडी प्रोग्राम की जरूरत नहीं ईश्वर के लिए, वो तो सदा प्रसन्न रहने की बात करता है। ईश्वरीय दशा जो भी प्राप्त करता है, जो भी कहता है कि मैंने मोक्ष, ये मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट, तो मरना जरूरी नहीं है एक्चुअली, ये तो गलत व्याख्या है कि मरना मरने ही मोक्ष, मोक्ष का मतलब मुक्ति, एक एक समान सिचुएशन, टू एस्टैब्लिश इक्वल पोजिशन इन ऑल कंडीशन, सुख दुख में एक समान, ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन मुक्ति की दशा है कि फिर हम तो बंधन से फिर मुक्त हो गए, न किसी के आने की खुशी है न किसी के जाने का गम है, बंधन मुक्त। ये कहने में जितना आसान है फॉलो करने में उतना ही कठिन है। और जो वास्तविक एंटरटेनमेंट है, जो रियल मनोरंजन है, जिसमें रियल जो आत्मिक खुशी जिसको कहते हैं, खुशी आत्मिक खुशी, ठीक है, वो यही है कि अगर ये भाव हमने बना लिए तो फिर कहीं दुख की स्थिति नहीं रहेगी। बुद्ध ने तो यही कहा, बुद्ध ने क्या कहा, सब्बम दुखम, दुनिया दुखी है, फिर सबके दुख को दूर करना है तो भाई सबकी जिम्मेदारी लेके बैठो, अपने देखो। लेकिन एक एंटरटेनमेंट इसमें कि हमको वास्तविक प्रसन्नता, एक जो रियल आनंद की प्राप्ति है, आनंद जिसको कहते हैं, आनंद आंतरिक मामला है, वो इसे मिलता है। अगर हमने किसी को कुछ कर दिया और वो थोड़ा सा हमारे कारण अच्छा फील कर रहा है, तकलीफ में था, तो वो प्रसन्नता वो क्या कर रहा वो जाने, बट मुझको जो लगा द रियल है ना, तो बुद्ध को इसमें मजा आता था तो वो करते थे, वो भी अपनी खुशी के लिए करते थे, बट इसको करते थे, वो चाहते थे कोई दुखी ना हो, तो एक स्थायी व्यवस्था बात। खैर चलो बुद्धिज्म को छोड़ो, तो कहने का मतलब ईश्वर की अगर बात है, अगर ईश्वरीय प्रवृत्ति की बात है, तो ईश्वरीय जो ये विलास है ना, ईश्वरीय विलास ही यही है जो इसने लिखा है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, ईश्वरीय विलास ही यही है प्रॉपर establishment ऑफ एक्टिविटी, जिसको हम लाइक करते हैं, विच आई लाइक मोस्ट, विच ईश्वर लाइक मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा उसको पसंद करता है, तो उसके लिए अलग से एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, उसकी प्रवृत्ति ही उसका एंटरटेनमेंट है। तो ईश्वरीय विलास में जब आप पढ़ेंगे तो वो सारी एक्टिविटीज आपको देखने को मिल जाएंगी जो शाश्वत हैं, अस्थाई हैं और हमेशा, मतलब ऑलरेडी वो मतलब मेड फॉर हैप्पीनेस, वो प्रसन्नता के लिए बनी ही हुई हैं, ठीक है। तो खैर इतना गहराई में नहीं सोचना, तो क्वेश्चन, अब देखिए इतना अगर आपको जानकारी तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कर नहीं पाएंगे। इसलिए IAS का प्री भी बहुत कठिन होता है, जब तक कॉन्सेप्चुअल अध्ययन नहीं करेंगे तब तक प्री भी बड़ा कठिन होता है। तो इतना आप डेप्थ में पढ़ें, जैसे इन सब कहानियों का कोई लेना देना नहीं इस प्रश्न से, लेकिन लेना देना है सॉल्व करना है तो तब जा करके एक ऑप्शन पकड़ में आता है। तो अब पकड़ में आया क्या है, प्रवृत्ति। एक्चुअली ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस ये टाइम के अकॉर्डिंग हमको मैनेज करना पड़ता है, बहुत काम में बिजी रह गए, लो शो लगाओ कपिल शर्मा वाला, तो देखें थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो। ये हर एक क्षण, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक पल कपिल शर्मा का शो है। हर एक एक्टिविटी, जिस कार्य में आनंद नहीं उसको करने नहीं है, करना हुए जिसमें हमको एंटरटेनमेंट, इसको तो प्रवृत्ति। ईश्वरीय प्रवृत्ति क्या है, यही है मनुष्य की प्रवृत्ति और ईश्वरीय प्रवृत्ति में अंतर। मनुष्य वो सब कुछ भी कर ले जिसके कारण उसको दुख भी मिल जाता है, क्षणिक लाभ के लिए कर लेता है लेकिन बाद में बड़ी तकलीफ होती है, ईश्वर वो सब कुछ नहीं करता जिसको, ये कोई भी कार्यक्रम ये ईश्वर है। फिर बाद में इसी को लोगों ने क्या कहा कि लोग भी ईश्वर बन सकते हैं अगर यह प्रवृत्ति अडॉप्ट कर लें, तो लोग भी ईश्वर बन सकते हैं, ठीक है। तो शंकराचार्य ने इसे को उठा लिया, उन्होंने कहा फिर तो लोग ईश्वर और लोगों में कोई अंतर ही नहीं है,
एक प्रोसेस है जिसको अपना करके अडॉप्ट करके लोग अपनी पहचान कर लें, और पहचान किस रूप में, अपने ईश्वरीय पहचान को स्थापित कर लें अपने दिमाग में कि मैं ही ईश्वर हूँ, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही है। कठिन है जब उनकी बात किसी के समझ में नहीं आई, तो यहाँ भी कठिन ही है। शंकराचार्य को कोई समझ नहीं पाया, तो शंकराचार्य उतने पॉपुलर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो हो गया ना ये विरूपाक्ष का। विरूपाक्ष का है, किसकी पुस्तक है ये लिखा मैंने, नारायण विलास, विरूपाक्ष ने एक पुस्तक नारायण विलास लिखी है। और अगले इसके समय में नरसिंह सालुओं ने सत्ता पर, इसके समय में ही नरसिंह सालुओं ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक नए वंश सालु वंश की स्थापना की। इन द टाइम ऑफ हिम नरसिंह सालु नरसिंह सालु कैप्चर्ड द थ्रोनशिप एंड एस्टैब्लिश्ड न्यू डायनेस्टी नेम्ड सालु डायनेस्टी, सालु वंश की स्थापना करी इसने। फाउंडर कौन है? सालू, नरसिंह सालू, नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है तुलु वंश, थोड़ा फुर्ती दिखाओ। तुलु वंश, कुछ दम नहीं इस वंश में, दो लोग आए, अपना नाम भी लिखने कोई लिखा दे, नाम कौन कौन आया, क्या करोगे, टेंशन। इसके बाद तुलु वंश, यहां से ज्यादा ज्यादा अगर कभी पूछा इस वंश का संस्थापक कौन है, एक आध बार पूछा भी गया, इसके आज तक नहीं देखा गया। इसके बाद आता है तुलुओ वंश, तुलु वंश। तो सालु वंश की डेटिंग लीजिए 1486 डाल लीजिए, 1486 से लेकर के और ये रहा 90 तक। और तुलु वंश आया है, नहीं 90 नहीं है, 1506 तक है, 1506। तुलु वंश 1506 से लेकर के 1565 तक, 1565। इस वंश का इसका फाउंडर लिख लीजिए पहले, फाउंडर संस्थापक, तुलु वंश का संस्थापक है वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। तो नरसिंह सालु और वीर नरसिंह, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह है, ठीक है। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था, द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बिकम कृष्णदेवराय, द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बिकम कृष्णदेवराय।
1500 से 930 1509 तो इस वंश का ही नहीं अपितु पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था ये, नोट कर लीजिए। ही वॉज द फेमस रूलर ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी, नॉट ओनली द तुल्लु डायनेस्टी। He was the famous ruler of Vijayanagar dynasty, not only the Tulu. तो शुद्ध भी लिख सकते हो आप लोग, he was not only the famous ruler of Tulu, Vijayanagar dynasty also. ठीक है, हो गया। उपाधियां, टाइटल्स, टाइटल्स नोट कीजिए। उपाधियां, यवन राज स्थापनाचार्य, क्रम से लिखते जाइए, यवन राज स्थापना चार्य, यवन राज स्थापना चार्य, बहमनी शासक महमूद शाह को उसको पुनः गद्दी पर बिठाने के उपलक्ष्य में, नोट कीजिए, बहमनी शासक महमूद शाह को पुनः गद्दी पर बिठाने के लिए, फॉर द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बहमनी रूलर महमूद शाह ऑन बहमनी किंगशिप, ऑन बहमनी किंगशिप। एक्चुअली मुद्दा यह है कि बहमनी शासक महमूद शाह को जो है बीदर के जो कोतवाल थे उसने, अभी कमज़ोर हो गया थोड़ा सा, तो कोतवाल था लेकिन कब्जा कर लिया, मतलब पकड़ लिया, बंद कर दिया, और पूरे प्रयास में था कि बहमनी को कब्जा कर लिया जाए। तो कृष्णदेव राय ने क्या किया कि उसको कोतवाल जो बीदर के थे उससे, उसके चंगुल से, उसके हाथ से इस महमूद शाह को छुड़ाया, पहले रिलीज कराया, फिर उसको शक्ति प्रदान करके पहले तो उसको बहमनी की गद्दी पर बिठाया, फिर से शासक बनाया, और इसके बाद में फिर उसको सुरक्षा भी प्रदान करी। तो इस, अब बहमनी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जिसके साथ बड़ी दुश्मनी थी, तो इस उपलक्ष्य में इसको कहा गया यवन राज स्थापनाचार्य। यवन का मतलब होता है एक तो यवन विदेशी शासक, दुश्मन शासक, पड़ोसी शासक, कुछ भी कह लो सब एक ही है, यवन। भारत में यवन शब्द प्रयोग किया गया किसके लिए, सबसे पहले यवन विदेशियों के लिए, जब मौर्य उत्तर काल में सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक आए, कुषाण आए, पार्थियाई आए, इन लोगों को यवन कहा गया है, यवन। तो विजयनगर की दृष्टि में बहमनी वाले तो भी यवन ही थे, और दूसरे भाव में अगर लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, अमन
कि अगर उसके साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो मे भी वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। देखिए संघर्ष का वातावरण क्रिएट है बहमनी और विजयनगर के बीच में, एक जो युद्ध और बैटल का एनवायरनमेंट है एक्चुअली वो शांत होगा, थोड़ा सा एक यौवन मतलब अमन की स्थापना, शांति की स्थापना, और उसके लिए प्रयास कृष्णदेव राय ने किया कि शुरुआत तो इसने करी मदद करके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो इसको, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यवन अमन दोनों, ठीक है। तो यवन राज स्थापनाचार्य, इसके बाद इसकी उपाधि है आंध्रभोज, दूसरी उपाधि है इसकी आंध्रभोज, यहां पर नोट कर लीजिए कुछ। आंध्रभोज इसकी उपाधि इसने क्यों लिया, यह ना केवल स्वयं विद्वान था, यह ना केवल स्वयं विद्वान था अपितु इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध विद्वान भी रहते थे, अपितु इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध विद्वान भी रहते थे। तो ही वॉज नॉट ओनली स्कॉलर हिमसेल्फ, बट देयर लिव्ड 8 फेमस स्कॉलर्स ऑफ तेलुगु लिटरेचर इन द कोर्ट ऑफ हिम आल्सो, इन द कोर्ट ऑफ हिम आल्सो, इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध विद्वान भी रहते थे। तो कहने का मतलब ये ना केवल स्वयं विद्वान था बल्कि विद्वानों का एक बड़ा संरक्षक भी था, विद्वानों को सुरक्षा देने वाला भी बहुत मतलब एक बड़ा शासक माना जाता है। कुल मिलाकर इसने शिक्षा साहित्य ज्ञान विज्ञान को अपने साम्राज्य में अपने राज्याधीन अपने नेतृत्व में बहुत ही प्रोटेक्शन बहुत ही कंजर्वेशन दिया, ठीक है, और उसको आगे बढ़ाने का रिफॉर्म्स के रूप में इसका योगदान इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो कुल मिलाकर के इस फील्ड में तो न केवल स्वयं विद्वान था बल्कि 8 तेलुगु साहित्य, अभी तेलुगु साहित्य याद रखिएगा एक बार पुटअप हुआ क्वेश्चन भाषा पर कि तेलुगु की तमिल की कन्नड़ तो कन्फ्यूजन हो जाता है ना, अब चारों ऑप्शन साउथ से ही तो तेलुगु ध्यान रहे। तो तेलुगु 8 जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, जिन्हें 8 प्रसिद्ध विद्वानों को क्या कहा जाता था, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, हुज वेयर नोन या हुज वेयर कॉल्ड अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, अष्ट दिग्गज एक होता है अष्ट प्रधान, ये भी इतिहास में है। तो अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में कंफ्यूज नहीं ना, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय से रिलेटेड है और अष्ट प्रधान शिवाजी से रिलेटेड मराठा शासक, क्योंकि वो जो अष्ट प्रधान है 8 बड़े अधिकारियों का एक समूह है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक समूह है, प्रशासनिक प्रशासन से रिलेटेड है वो, और ये ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड है अष्ट दिग्गज, तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो 8 ये इसी कारण कृष्णदेव राय को आंध्रभोज, अब कई इससे रिलेटेड हो, इसी कारण कृष्णदेव राय को आंध्रभोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की भी उपाधियां दी गई हैं ड्यू टू दिस एक्टिविटी जो ऊपर आपने देखा। कृष्णदेव राय was called as आंध्रभोज, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह,
एंड अभिनव भोज आदि, एंड अभिनव भोज आदि आदि अभिनव भोज लिख लेंगे, स्पेलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, ये सब टाइप की उपाधियां एक ही चीज़ शो करती हैं कि बहुत विद्वान था, विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था, प्रमोटर था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रिस्पेक्ट बहुत करता था, विद्वता और विद्वान दोनों का, ठीक है। तो इसलिए इसको आंध्र भोज, आंध्र पितामह, ये सब उपाधियां इसको दी गई। उसने स्वयं तेलुगु भाषा में राजनीति शास्त्र पर आधारित एक पुस्तक, उसने स्वयं तेलुगु भाषा में राजनीति शास्त्र पर आधारित एक पुस्तक अमुक्त माल्लद लिखी। अमुक्त माल्यद ही रोट ए बुक नेम्ड अमुक्त माल्यद इन तेलुगु लैंग्वेज हिमसेल्फ, खुद लिखी इसने, विच वॉज रिलेटेड द पोलिटिकल साइंस, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित था, विच वॉज रिलेटेड विद पोलिटिकल साइंस। इसने संस्कृत भाषा में दो अन्य पुस्तकें भी लिखी, इसने संस्कृत भाषा में दो अन्य पुस्तकें भी लिखी। ही रोट टू अनदर बुक इन संस्कृत लैंग्वेज, ही रोट टू अनदर बुक इन संस्कृत लैंग्वेज। वन उषा प्रणय, हम दूसरी है जाम्बोती कल्याण, इसमें पहली है उषा परिणय, और दूसरी पुस्तक का नाम है जाम्बोती कल्याण। उषा परिणय और दूसरी पुस्तक का नाम है जाम्बोती कल्याण। नहीं दिख रहा, हो गया, लिख लिया, छूटा तो नहीं कीजिएगा। तो ये दो पुस्तकें संस्कृत भाषा में है, और तेलुगु में कौन सी है, अमुक माल्यद, ये संस्कृत भाषा में है। ये धार्मिक है, अब धार्मिक ज्ञान से संबंधित नहीं है, ये कहानियों से संबंधित है, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, अष्ट दिग्गज को नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आठों कौन है, पकड़ के लो, जो अष्ट दिग्गज हैं कौन कौन है। अष्ट दिग्गज, दैट स्कॉलर्स रिलेटेड द तेलुगु लिटरेचर, यही है अष्ट दिग्गज। कौन है, द एट स्कॉलर्स
रिलेटेड विद तेलुगु लिटरेचर। नंबर एक, अलसनी पेडन, अलसनी पेडन चलिए नाम ही लिख लीजिए इनकी पुस्तक, पुस्तक अगर है तो नोट कर लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है मनुचरित, हीरोट मनुचरित। पुस्तक का नाम है मनुचरित। फिर एक है तेनाली रामकृष्ण, दूसरे तेनाली रामकृष्ण, चलिए तेनाली रामकृष्ण। पुस्तक पांडुरंग महात्म, पुस्तक का नाम लिखेंगे पांडुरंग महात्म। पांडुरंग महात्म फिर लिख लिया, पांडुरंग महात्म लिख लो, देख रहा वहां से। तीसरा नंदी तिम्मल, नंदी तिम्मल। चलो सबकी पुस्तक क्या करो, काम के लिख लिए जाने दो। अगले हैं भट्ट मूर्ति, लिखते जाइए फटाफट। चौथे हैं भट्ट मूर्ति, पांचवें हैं भट्ट मूर्ति, लिख लिया VATTAMURTI भट्ट मूर्ति। पांचवें हैं घुजीते, मैं लिख दे रहा हूं ये उटपटांग टाइप के हैं, घुजीते। घुजीते हो गया। अगले भाद्यगीर मलमन, तो इसको भी लिखना ही है, यहां दिख दे रहे हैं भाद्य गीर मलमन।
एक्चुअली भाषा उधर की सब द्रविड़ है, तो ऐसे ही है, द्रविड़ भाषा जानते ही हो, वो पकड़ में नहीं आती है। भारत की संस्कृति ऐसे नहीं, इसको कहा जाता है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ तो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आप देसी घोषित नहीं कर सकते, साउथ चले जाओ लगते नहीं कि हिंदुस्तान है, तो विदेश टाइप का है कुछ, है ना। लगभग लगभग अंतर है, रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, सब चीज़। अब तो काफ़ी एकरूपता हो गई, नहीं पहले तो बहुत डिफरेंस था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के नाम पर लोग एकता बनाए हुए थे, हम भारतीय हैं। बड़ा ज़बरदस्ती बनाना पड़ा उनको, ऐसे नहीं बनाए थे। राजू जी का जो बलिदान है वो इसी पर गया है, लोगों ने हत्या कर दी। तो खैर, भट्ट मूर्ति हो गए, घोजीते हो गए, भाद्यगीर मलवन हो गया, कितने हो गए? छः। ये भाद्यगीर का जो एक पुस्तक है, नोट कर लीजिए इनके सामने डेस्क करके, इम्पोर्टेंट है, राजशेखर चरित। ये राजशेखर भी कोई विद्वान है और विद्वान का चरित्र चित्रण इन्होंने किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो राजशेखर चरित, राजशेखर चरित, चरित को चरित लिखे, CHARIT, चरित। सातवें हैं अच्युत राम रामचंद्र, अच्युत राम रामचंद्र। लिख लो कौन, याद तो रहना नहीं है, याद नहीं रहना है, चाहे जितना प्रयास कर लो, तो पढ़ते रहना जब भी मौका मिल जाए, बस याद करने की कोशिश मत करना, याद रहे, पढ़ के छोड़ देना इसको। और आठवें हैं जंगली सूरत, जिगली। जिगली सूरत, जिगली सूरत। ओके, तो ये इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, कुछ और भी देखते हैं क्या क्या है यार। नेक्स्ट लाइन, सामाजिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियां दोनों लिखिए, कल्चरल एवं सोशल अचीवमेंट्स ऑफ कृष्णदेव राय, कल्चरल एंड सोशल अचीवमेंट्स ऑफ कृष्णदेव राय, सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियां। कृष्णदेव राय ने विवाह पर कर माफ कर, देखिए ये एक ऐसा राज्य है जहां विवाह टैक्स लगता था, मैरिज टैक्स। कृष्णदेव राय ने विवाह पर कर माफ कर दिया था, कृष्णदेव राय पर्डन द मैरिज टैक्स। इसके समय में स्थापत्य कला की एक नई शैली प्रविदा शैली आई, इसके समय में, कृष्णदेव राय के समय में, इन द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय, अ न्यू स्कल्पचर आर्ट, अ न्यू स्कल्पचर आर्ट नेम्ड नेम्ड प्रविदा आर्ट, प्रविदा इस स्क्रिप्ट ऑफ आप,
कला की, स्थापत्य कला की एक नई शैली प्रविदा शैली का जन्म हुआ या आई। प्रविदा शैली का जन्म हुआ। इसकी विशेषता है विच स्पेशलिटीज वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्याण मंडप। इसकी विशेषता कल्याण मंडप का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्याण मंडप। एंड गोपुरम्स विद 1000 pillars एंड गोपुरम विद 1000 pillars। तो इसकी विशेषता कल्याण मंडपों का निर्माण है एंड गोपुरमों का। कैसे गोपुरम, गोपुरम विद 1000 pillars। हजार स्तंभों वाले गोपुरमों का निर्माण। इसकी विशेषता क्या है, कल्याण मंडप और हजार स्तंभों वाले गोपुरमों का निर्माण, गोपुरम। तो जो कल्याण मंडप है और गोपुर, गोपुरम मंदिर में होता है एक्चुअली साउथ, ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। गोपुरम, गोपुरम द्रविड़ शैली की विशेषता है। और इसकी विशेषता यह है कि जो एक तो होता है गर्भगृह मंदिर में, जो आपने गुप्त काल में देखा, फिर गुप्त काल में ही आपने देखा कि प्रदक्षिणापथ, फिर उससे जुड़ा हुआ एक गेट हल्का सा गलियारा, उसके सामने एक जो है बड़ा सा बरामदा, शायद विश्रामालय टाइप का हो ऐसा कुछ, जिसको क्या कहा गया है गोपुरम, उसी को कहा गया है गोपुरम। तो एक तो गोपुरमों का निर्माण एक विश्रामशाला के रूप में, और कल्याण मंडप ऐसे बिल्डिंग्स होते थे जो सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए पब्लिकली, व्यक्तिगत नहीं, इंडिविजुअल नहीं, प्राइवेट बिल्डिंग नहीं है ये, पब्लिक प्रोग्राम्स एज मैरिज, शादी वगैरह के लिए, जैसे लोग शादी वगैरह के लिए बुक नहीं कराते अब तो, होटल वगैरह लेते हैं, फिर ऐसे बिल्डिंग्स लेते हैं, ऐसे स्थान किराए पर जहाँ वो भी जुगाड़ नहीं तो टेंट से काम चल रहे थे, बना के ही अस्थायी रूप से काम चला लेते हैं। बट एक बड़ा सा एक बिल्डिंग होनी चाहिए, तो या तो अस्थाई, तो ये कल्याण मंडप वो अस्थाई बिल्डिंग है जो सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए बनाए गए हैं पब्लिकली, यानी आम जनता के लिए, ठीक है। ये होते हैं कल्याण मंडप। आपके देहरादून में भी होंगे कल्याण मंडप, नहीं है, नहीं, लखनऊ में है कई बने कल्याण मंडप अभी भी हैं। तो वो सब ऐसे, जैसे किसी के यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम, स्पेशली बड़ा कार्यक्रम तो शादी ही होता है, बड़ी सी बिल्डिंग होती है, लोगों को रहने का, निवास का और सारी व्यवस्था उसमें होती है, इवन किचन का भी, पेंट्री सेक्शन भी होता है उसमें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब तो पूरा प्रोफेशनल हो गया है, लेकिन एक्चुअली ये राज्य की तरफ से बनाए जाते थे जो फ्री ऑफ कास्ट होते थे सामाजिक समारोहों के लिए। तो इस चीज़ को आप उसी रूप में लिख लीजिए कि ये जो प्रविदा शैली है एक्चुअली कल्याण मंडप और हजार स्तंभों वाले गोपुरमों के निर्माण से संबंधित है। द प्रविदा स्क्रिप्ट ऑफ स्कल्पचर आर्ट वॉज रिलेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्याण मंडप एंड गोपुरम्स विद 1000 pillars। कल्याण मंडप वेयर सच बिल्डिंग्स विच वॉज यूज फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स
ये वे, एक मिनट रुके रहो भाई हिंदी भाई, एक ही चीज़ में चलो साथ साथ ना चलो, बस स्टॉप करना पड़ेगा दो मिनट। अंग्रेजी में होगा तो हिंदी वाले थोड़ा रुकें या तो फिर एडजस्ट करें, और हिंदी हो तो अंग्रेजी वाले भी थोड़ा एडजस्ट करें भाई, समय बचता है इससे, समय बहुत लॉस होता है, जस्ट डबल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए इस मामले में, इसका फ़ायदा है, स्पेशली अंग्रेजी वालों को फ़ायदा है, उनमें स्पीड आती है अच्छी, परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे तो ट्रांसलेशन करने का नंबर नहीं देगा वो कि आपने कितनी तेज़ी के साथ बढ़िया ट्रांसलेशन किया, अगर दो मिनट भी उसमें खर्चा किया आपने, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएं, तो कोई यूज़ का नहीं है, एक को नंबर बढ़ना नहीं है, तो फ्लुएंटली आप लिखते रहो बस, अच्छी तो करते करते आएगा ना, तो ऐसा आप करो कोशिश। तो क्या लिखा, कल्याण मंडप वे प्रकार, उस कल्याण मंडप वे द सच बिल्डिंग्स हु यूज इन द पब्लिक प्रोग्राम एज सोशल वर्क। अब सोशल वर्क में आ गया, फ्री ऑफ कास्ट वगैरह सब आ गया, एज सोशल वर्क। कल्याण मंडप ऐसे प्रकार के बिल्डिंग भवन थे जो, इस प्रकार के भवन थे जो सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए राज्य द्वारा, सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए राज्य द्वारा बनाए जाते थे, दैट्स इट, ठीक है। और गोपुरम का तो क्लियर हो गया, मंदिर वगैरह जहाँ वहीं पर गोपुरम होता है, कितनी भीड़ अगर इकट्ठा हो रही तो अपना प्रसाद वगैरह जो भी कार्यक्रम है अपने किया, फिर 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बैठ के विश्राम करे, कुछ नाश्ता वास्ता करे तब जाए, ये होता है गोपुरम। तो गोपुरम भी जस्ट लाइक विश्रामालय, रिटायरिंग हॉल, ठीक है। लेकिन ये रिलीजियसली यूज होता मंदिरों के, तो अपना लिख लो उसी हिसाब से, ओके। अब जो शुरू हुआ था ये कल्याण मंडप वगैरह, प्रारंभिक रूप से कल्याण मंडप में देवी देवताओं के विवाहोत्सव आदि का आयोजन किया जाता था, प्रारंभिक रूप से। बेसिकली कल्याण मंडप वॉज यूज फॉर, बेसिकली कल्याण मंडप वॉज यूज फॉर मैरिज प्रोग्राम ऑफ द डाइटीज, देवताओं के विवाह कार्यक्रम, जैसे में राम विवाह का कार्य, ये बड़ा कार्यक्रम है भाई, तो ऐसे ही तमाम प्रकार के विवाह कार्यक्रम है ना, तो देवताओं के विवाह कार्यक्रम वगैरह के लिए होता था, बाद में पब्लिकली हो गया तो ये हो गया। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, हजारा मंदिर, फिर राम मंदिर और विट्ठल स्वामी के मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, राम मंदिर और विट्ठल स्वामी के मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय कंस्ट्रक्टेड द टेंपल्स ऑफ हजारा, टेंपल ऑफ राम एंड टेंपल ऑफ विट्ठल स्वामी, ओके। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। कृष्णदेव राय की रुचि संगीत और शतरंज में भी थी। कृष्णदेव राय वॉज इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक एंड चेस आल्सो, और उसे खेलों में कुश्ती का खेल बहुत ही प्रिय था, एंड ही लाइक मोस्ट द प्ले ऑफ कुश्ती, रेसलिंग, प्ले ऑफ रेसलिंग, कुश्ती का खेल बहुत प्रिय था। पायस ने लिखा है, पायस रोड,
पायस वॉज द विदेशी ट्रेवलर, तो भी आएगा इसके बारे में, ये इसी समय में आया था। पायस ने लिखा है कि नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था इसके समय में। नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता, अकॉर्डिंग टू पायस, या पायस रोट दैट द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि वॉज सेलिब्रेटेड विद बड़े धूमधाम से, मतलब बिग एक्साइटमेंट, विद बिग एक्साइटमेंट, बड़े उत्साह के साथ, विद बिग एक्साइटमेंट, धूमधाम से, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो जाने दो। तो खेलों में कुश्ती प्रिय था, नवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, शतरंज और संगीत का बड़ा प्रेमी था। ये तीन ऐसे लाइन हैं जो बहुत ही सामान्य प्रश्नों के रूप में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, दूसरे तीसरे साल कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए, कहीं बिहार में, कहीं झारखंड में, कहीं उत्तराखंड में, कहीं राजस्थान, जितने हिंदी भाषित, कहीं यूपी में, ऐसे घूम टहल के आते ही रहते हैं, एकदम पक्का जाने रहो। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए तीनों जरूरी था। हो गया। इसके समय में दो विदेशी यात्री बारबोसा और पायस बारबोसा पुर्तगीज है, पायस कौन है? बारबोसा और पायस दो विदेशी यात्री आए, टू फॉरेन ट्रेवलर्स केम इन द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय, बारबोसा, बारबोसा एंड पायस, पी ए वाई ए एस, पायस। तो बारबोसा तो पुर्तगीज है, ये पायस के बारे में पता करो। फ्रेडरिक पायस कहीं लिखा नहीं है, ये भी पुर्तगीज ही है, ठीक है, पुर्तगाली है। तो कुल मिलाकर के ये कृष्णदेव राय और उसकी उपलब्धियां हैं, ये इम्पोर्टेंट था। कुल मिलाकर विजयनगर की खास चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि कुछ शासकों को थोड़ा थोड़ा अब लास्ट तक तो ले ही जाना है, शुरू किया है, तो नाम लिखते जाइए, कुछ खास बात होगी तो बता देंगे। इसके बाद अच्युत देवराय, अच्युत देवराय, अच्युत देव राय, ये हुआ है 1529 to 1542, कृष्णदेव राय का भाई था, ये छोटा भाई था, ही वॉज ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राय। एक्चुअली उसका जो पुत्र था सदाशिव राय भी छोटा था, तो इसको उसने कर दिया। तो पुर्तगीज यात्री नूनी जिसके समय में आया, पुर्तगीज ट्रेवलर, पुर्तगीज ट्रेवलर नूनीज, कैम टू, इसके यहाँ इसके दरबार में पुर्तगीज यात्री नूनीज आया, ठीक है। अगले शासक हैं वेंकट प्रथम, वेंकट प्रथम,
1542 1542। इसके बाद सदाशिव राय, ये 5-6 महीने रहा, इसके बाद चला गया। इसके बाद अगले शासक हैं सदाशिव राय, सदाशिव राय 1542-1572। यह कृष्णदेव राय का पुत्र था। He was the son of कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के दामाद राम राय ने इसको गद्दी पर बिठाया। द सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेव राय मिस्टर राम राय मेड थ्रोन टू सदाशिव राय, मेड थ्रोन शिप टू सदाशिव राय। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि फिर सत्ता उसी के हाथ में जाएगी। तो उसने जो है इस गद्दी पर बिठाया सदाशिव राय को, और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली, और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली एंड हैंडल्ड द पावर ऑफ रूलर, हैंडल्ड द पावर ऑफ रूल एंड हैंडल्ड द पावर ऑफ रूल सेल्फ, सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। किसने? राम राय ने। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है ये राम राय, और इसी के चलते जो है विजयनगर साम्राज्य अपने अस्तित्व को खो देगा। ठीक है, तो सदाशिव राय कुल मिला के शासक है, लेकिन शासन कर कौन रहा है? राम राय। एक्चुअली अब राम राय की एक चीज लिख लीजिए, इसने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के प्रति हीरा से हीरा काटने की नीति अपनाई। ये अच्छी पॉलिसी है। इसने दक्षिण में, दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के प्रति हीरा से हीरा काटने की नीति अपनाई। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ हाँ राम राय की ही बात होगी। अब मतलब अब तो सदाशिव राय तो चुपचाप बैठे हैं, अब तो जो करेगा राम राय करेगा ना, जब सारी ताकत ले लिया तो अब तो राम राय ही फ्रंट पर है। ठीक है, तो ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कटिंग ऑफ डायमंड विद कटर ऑफ हीरा। नोट करो, सही है वो, जब एग्जैक्ट वर्ड ना आए तो उसका भाव लिख देना चाहिए। एक्चुअली इसको भी कोई गलत नहीं काट सकता। कटिंग ऑफ डायमंड विद कटर ऑफ हीरा, हीरा से हीरा काटने की पॉलिसी हो गया है ना। अब इसको हम समझा देते हैं अभी क्या है, समझ जाओ ज़्यादा सही है। लाइक उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। हीरा से हीरा काटने की नीति क्या है? पहले तो उनको मानो कि ये हीरा है, क्योंकि सोने से सोने को भी काटने की पॉलिसी आई है, है लेकिन आई नहीं अभी तक, क्योंकि किसी ने माना नहीं अपने पड़ोसी को ना अभी सोना है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आई है ना,
ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आई, लौह और रक्त की नीति आई, फिर एक पॉलिसी और आई, हीरे से हीरे काटने के हो गए, एक पॉलिसी और है कोई ऐसी। चलो इसको पहले देख लेते हैं, फिर आएगी तो देखा जाएगा। तो हीरा से हीरा काटने, कहने का मतलब कि वो जो जितने मुस्लिम राज्य हैं दक्षिण में, वो जो बहमनी साम्राज्य है ना, वो टूट चुका है। वो मुस्लिम राज्यों जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली पहले से नहीं है, वो बहमनी साम्राज्य और अब तक, कब तक, राम राय के आने तक वो भी बिखर चुके हैं, क्योंकि पतन तो सबका होना है। तो पांच राज्यों में टूट गए, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, एक आध जो छूट रहा वो भी, नहीं छूट रहा तो कोई बात नहीं। ये पांच छोटे छोटे राज्यों में बहमनी बिखर गया, तो ये मुस्लिम राज्य हो गए, लेकिन सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है इसकी तुलना में। ये करता क्या था, एक राज्य को अपनी ओर मिलाता था और दूसरे राज्य को पराजित कर देता था, फिर दूसरे को मिलाता था, तीसरे को पराजित कर देता। इसको तो हीरा से हीरा काटने की नीति, उन्हीं को पकड़ता था अपनी अपने सपोर्ट के लिए और उन्हीं की ताकत से उनको पराजित कर देता था, हीरा से हीरा काटने की पॉलिसी, समझ गए ना, ये इसकी पॉलिसी। तो इससे जो मुस्लिम्स थे, वो एक होता घृणा करना, एक होता इरिटेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट, कुछ कर ना पाए और बस मन ही मन एकदम वो रह जाए एकदम कि क्या बताएं, मिल जाता तो इसको मैं भी मतलब कितनी बुरे तरीके से मारता, वो खुद नहीं सोच पा रहा, इतना इससे घृणा करने लगे जो जितने मुस्लिम सिख, मतलब ये किसी को मतलब उन्हीं में से तोड़ के कोई मिला ले जिसके खिलाफ, उन्हीं के घर के खिलाफ अगर जो तोड़ के चला जाए कोई, तो फिर कितना घृणा वो कर सकता है उससे, ये आप समझ, ये हद है जलस की। तो ये हीरा से हीरा काटने की पॉलिसी इसने अपनाई, अडॉप्टेड द, वो लिखा पूरा पॉलिसी, अगेंस्ट मुस्लिम स्टेट्स ऑफ साउथ, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी राम राय defeated the one by getting support of another, दूसरे की सपोर्ट, मतलब दूसरे राज्य को की सहायता से, उन्हीं मुस्लिम में ही, वो जितने में, ठीक है, दूसरे राज्य की सहायता से एक राज्य को पराजित कर देता था, पड़ोसी को ही लिए साथ में अपने, उसके पड़ोसी को, है ना, ये कर देता था। जैसे ये है, अब ये राम राय है, इसने इसको मिला, इसको पराजित कर दिया, इसको अपनी ओर ले लिया, इसको पराजित कर दिया, ये डिफीट का है। अब जब डिफीट खा के मार के बैठे हैं इसे हारने के बाद, अगल बगल वाले गाली दे रहे हैं और जाओ उसकी तरफ, तो ये खुद खड़ा होगा, अच्छा कोई बात नहीं, आओ इधर आओ, आ जाओ, मारे हैं कोई बात नहीं, सॉरी, आओ। अब ये खुश हो गए, फिर इसकी तरफ चलाया, अब ये अपने जो बची खुची, तो जीता तो ले गया इसकी ताकत, जो बची खुची उसको भी सरेंडर कर गए, ये मेरे साथ है, अब इसको मिलाए, अब ये बैठ के एकदम से मतलब आग बबूला हो रहा है, कर कुछ नहीं सकता, ये सारी पॉलिसी देखा बैठ के, ये भी मुस्लिम है, अब ये बिल्कुल जल रहा है, अब करे क्या, ये इसका बस चले तो विस्फोट हो जाए। दिस पॉलिसी इज नोन एज हीरा से हीरा काटने की पॉलिसी। तो अगेंस्ट मुस्लिम स्टेट्स अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ही डिफीटेड टू वन बाय टेकिंग गेटिंग सपोर्ट वन अनदर, दूसरे एक सपोर्ट लेके दूसरे को वो पराजित कर देता था। अतः दक्षिण में, सो इन साउथ, अतः दक्षिण में राम राय अतः तथा विजयनगर, दोनों एक दूसरे के वो हो गए थे,
अतः दक्षिण में राम राय और विजयनगर के प्रति मुस्लिम राज्यों में एक समान घृणा की भावना पनपी। सो इन साउथ देयर राइज्ड द इक्वल emotion of hate, the equal emotion of hate in Muslims of South against Vijayanagar or Ram Rai, against Vijayanagar or Ram Rai, Ram Rai or Vijayanagar के खिलाफ दक्षिण के मुसलमानों में एक समान घृणा की भावना पनपी। They raised a equal emotion of hate अगेंस्ट राम राय और विजयनगर इन द मुस्लिम्स ऑफ साउथ, दक्षिण के मुसलमानों में एक समान घृणा की भावना। और जब ये हद हो गई, सबके साथ ऐसे करता था वो, तो उन लोगों ने क्या किया, अतः दक्षिण के राज्यों ने आपस में एक गठबंधन कर लिया राम राय के खिलाफ। वो आपसी दुश्मनी को भूल गए क्योंकि सारे लोग प्रताड़ित हो गए थे। तो जब सारे प्रताड़ित हो जाते हैं, तो जब कई लोग एक ही शक्ति से प्रताड़ित हो जाते हैं, तो आपस की दुश्मनी लोग भूल जाते हैं। फिर टारगेट वो हो जाता है जिस जो सबकी समान रूप से समस्या है, ठीक है, फिर वो टारगेट हो जाता है। ये पॉलिटिक्स में हर जगह हर समय होता रहता है, ये आम बात है। ये आज के समय भी देख, जैसे जब बीजेपी जीतना शुरू करी, वो समान रूप से सारे छोटी छोटी पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को समस्या बनी, किसी को भी वो नेस्तनाबूद कर दे रही, एकदम इकलौता बहुमत को छोड़ो सारी सीटें लेके चली जा रही है। तो फिर लोग आपस की जो छोटी छोटी दुश्मनी है सब भूल जाते हैं। तो फिर गेस्ट हाउस कांड भी भूल गया और मायावती मुलायम सिंह भी एक हो जाते हैं एक समय, जो बड़े कांड से है ना, मारपीट तक की स्थिति आ गई थी, हत्या तक की स्थिति, ये दुश्मनी थी भी भूल के फिर दोनों आगे। तो ऐसा ये नौबत आता रहता हर समय, हर पॉलिटिक्स में आता है। तो आपस की दुश्मनी भूल करके सारे मुस्लिम एक हो गए अगेंस्ट, ठीक है। तो आगे क्या लिखा आपने, समान भावना पनपी, इतने लिखा है ना पनपे। अतः दे आर ऑर्गेनाइज्ड ए मुस्लिम, दे आर ऑर्गेनाइज्ड ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इन साउथ, दे आर ऑर्गेनाइज्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इन साउथ अगेंस्ट विजयनगर। विजयनगर के खिलाफ दक्षिण के मुसलमानों मुस्लिम राज्यों ने, विजयनगर के खिलाफ दक्षिण के मुस्लिम राज्यों ने एक गठबंधन स्थापित किया, इंक्लूडिंग, आगे लिखिए फुल स्टॉप नहीं लगा, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे डैश इंक्लूडिंग, अब वो नाम लिखिए, प्री का है ये प्रश्न, इंक्लूडिंग चिरनोट को गोलकुंडा, नाम नोट कीजिए, गोलकुंडा, अहमदनगर, क्या हुआ, गोलकुंडा, गोल कुंडा लिख दें, चलो चल लिख दे रहे हैं। गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, कितने हो गए, चार ही हैं, बीदर, ये चार इकट्ठा हो गए,
बरार इस संगठन में शामिल नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ, इंक्लूडिंग गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर एंड बीदर। बरार वॉज एक्सेप्शन, ये पांच भागों में बहमनी टूटा था तो पांच यही हैं, तो चार तो मिल गए, बरार वॉज एक्सेप्शन, जबकि बरार इस संगठन में शामिल नहीं हुआ, बट बरार वॉज एक्सेप्शन, हु डिड नॉट मर्ज बरार शामिल नहीं हुआ। ठीक है, लिखिए। ओके, तो ये प्रिम पूछा था इन संघ में, इस संगठन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन दक्षिण का राज्य शामिल है, टोटल पांच ही थे, बहमनी टूट के हुआ था, यही पांच, इसमें बरार इस रामराय के खिलाफ शामिल नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप ताली कोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, एड रिजल्टेड, परिणाम स्वरूप ताली कोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। यह युद्ध भी इतिहास का बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे पानीपत, तराइन वगैरह इंपॉर्टेंट लड़ाई है, वैसे ताली कोटा भी इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध लड़ाई है। ताली कोटा का प्रसिद्ध एट रिजल्टेड देयर बिकम द फेमस बैटल ऑफ ताली कोटा, फेमस बैटल ऑफ ताली, एक हेडिंग डालिए, ताली कोटा का युद्ध, बैटल ऑफ ताली कोटा हुआ कब, तेईस जनवरी 1565। ट्वेंटी थ्री जनवरी ऑफ 1565। इस युद्ध के अन्य नाम, अदर नेम, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, बैटल ऑफ राक्षसी तगड़ी, युद्ध, फिर इसे जो है पन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ पन्नी हट्टी, का युद्ध, और ताली कोटा तो है ही है, तो नोट कर लीजिए इसके अन्य नाम, बैटल ऑफ राक्षसी तगड़ी एंड बैटल ऑफ पन्नी हट्टी आल्सो। एक्चुअली जो जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ राक्षसी और तगड़ी नामक दो गांवों की भूमियाँ मिली हुई थी, तो इसको उस नाम से भी जाना जाता, पन्नी हट्टी का क्षेत्र, उस क्षेत्र को पन्नी हट्टी कहा जाता था वहाँ, इसलिए क्षेत्र के नाम, और ताली कोटा, पूरे ताली कोटा का भी युद्ध है शायद, कोई गांव वाँव है पता नहीं, इसके बारे में किसी ने बताया नहीं, बस इधर उधर के नाम के बारे में चर्चा कर दी, ताली कोटा का भी युद्ध। हो गया।
फरिश्ता कहता है कि यह तालीकोटा में लड़ा गया, तालीकोटा भी एक गांव है वहीं पर, तो इसलिए तालीकोटा है। तो क्षेत्र के नाम के आधार पर है, कारण पता है ना, कारण क्या हो सकता है इस युद्ध का, अभी बताया है, राम राय के खिलाफ मुस्लिम राज्यों में समान घृणा, इक्वल हेट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स अगेंस्ट राम राय, यही इसका कारण है।